हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास जो है हमारी करंट अफेयर्स की रहेगी, डेली डोज जो हमारा रेगुलर क्लास चल रही है तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज की हमारी करंट अफेयर्स है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 6th edition of Japan India Maritime Exercise 2022, जिसको कहते हैं जिमेक्स 22, ठीक है, हैज़ बीन होस्टेड इन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो जापान और इंडिया में जो है यहाँ पर 6th ऑडिशन हुआ था, कौन सा, मैरीटाइम एक्साइज 2022, तो किसने यहाँ पर होस्ट किया था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए अगर किसी को इसका आंसर पता है। तो चलिए देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन डी इज़ द बे ऑफ बंगाल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइफून विच हैज़ हिट जापान एंड चाइना इन सितंबर 2022, ठीक है, तो उसका उस चीज़ का नाम बताना है जो यहाँ पर जापान और इन चाइना को जो है यहाँ पर हिट किया गया था, किस टाइफून ने, नाम बताओ उसका जल्दी से। ऑप्शन सी इज़ द मोफिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इनवाइट Which of the country as a guest during its G20 presidency? इंडिया ने जो है यहाँ पर एक फैसला किया है कि वो इनवाइट करेगी एक ऐसी कंट्री के गेस्ट को जो ड्यूरिंग इट्स G20 presidency, क्लियर, कौन सी कंट्री को यहाँ पर जो है इनवाइट करेगी, जो हमारी इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया है G20 मीटिंग में, तो वो है कंट्री ऑप्शन डी आपका जो है बांग्लादेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर टू बी सेट अप इन, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है एक हरप्पन कल्चर जिसको सेटअप किया गया है, कहाँ पर, ऑप्शन आपको दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, तो सही आंसर आपका जो है ऑप्शन डी इज दी हरियाणा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द एमी अवार्ड्स 2022, किसने जो है यहाँ पर एक बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अवार्ड जीता है, जिस अवार्ड का नाम है एमी अवार्ड्स, ठीक है, किसने जीता है जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन है वो बेस्ट एक्ट्रेस। ऑप्शन जो है आपका बी ज़ेंडाया, ठीक है, ज़ेंडाया जो है यहाँ पर ये एक बेस्ट एक्ट्रेस का इनको यहाँ पर अवार्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट बिकम टॉप्स इन इंडिया विद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईएस्ट अमृत सरोवर्स, ठीक है, क्वेश्चन 6 हमें पूछता है कि कौन सी स्टेट जो है टॉप पर आएगी इंडिया में विद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईएस्ट अमृत सरोवर्स, कौन सी स्टेट है, ऑप्शन डी यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एज़ पर द यूएन रिपोर्ट How many people globally were living in modern slavery in 2021? Okay, अगर आपको यहाँ पर UN रिपोर्ट की तरफ से देखा जाए तो कितने लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, globally we are living in modern slavery 2021 का बताना है आपको according to UN reports, okay? So आपका सही आंसर ऑप्शन जो है ए 50 मिलियन पीपल जो हैं यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर इन ले,
यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। किसको यहाँ पर आपको बताना है, एक स्क्रीन राइटर्स हैं लद्दाख में। ऑप्शन आपका जो है सी, आर के माथुर। क्लियर, ये हैं हमारे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आर के माथुर। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इंडिया हैज़ टर्न इनटू अ पावर सरप्लस नेशन विद हाउ मच इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। क्लियर, इंडिया ने यहाँ पे टर्न किया गया है किसको, पावर सरप्लस नेशन विद कितने इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, कितनी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी बतानी है, हाउ मच इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन बी इज द 400,000 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इंस्टीट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज बेस्ट बिजनेस स्कूल फॉर मास्टर्स स्टूडेंट बाय फाइनेंशियल टाइम्स मेम लिस्ट, MIM लिस्ट। ठीक है, MIM की फुल फॉर्म जो है मास्टर इन मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है वो इंडिया का जो है बेस्ट जो है बिजनेस स्कूल है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए, IIM बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द एक्साइज पिच ब्लैक 22 मल्टीलेटरल डिफेंस एक्साइज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको कि कौन सी कंट्री जो है होस्ट करती है, होस्टेड किया है एक एक्साइज पिच ब्लैक 22 इज अ मल्टीलेटरल डिफेंस एक्साइज। ऑप्शन बी इज द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें जो इंक्लूड कितने पार्टिसिपेशन है ऑफ द 17 एयरफोर्स यहाँ पर हैं और ओवरऑल जो है 2500 मिलिट्री पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। क्लियर, जम्मू एंड कश्मीर से किसने जो है नॉमिनेट किया है राज्यसभा को, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो हमारे नए प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में। ऑप्शन जो है आपका डी, गुलाम अली। कहाँ से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से। ही इज़ एन इंजीनियर एंड हैज़ बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स विल ऑब्जर्व वेलनेस डे ऑन एवरी ट्यूजडे। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है ये एक डिसाइड किया है कि वो स्कूल में क्या करेंगे, हर जो है ट्यूजडे को यहाँ पर एक वेलनेस डे जो है यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने ये कहा है, ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है, दिस डे विल बी ऑब्जर्व टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें जो है अराउंड 24,000 टीचर्स एंड 11,500 स्कूल्स जो हैं इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, यानी कि 19 डिस्ट्रिक्ट से। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, विच कंट्रीज हार्लेम सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी टू बैन मीट एडवर्टाइजमेंट्स। किस कंट्री ने है जो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी कंट्री है जो यहाँ पर आएगी ए फर्स्ट सिटी, ठीक है, जिसने यहाँ पर बैन किया गया है एक मीट एडवर्टाइजमेंट इज़ जो आप एड देखते हो। ठीक है, तो किस कंट्री ने किया है, ऑप्शन ए नेदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
हेल्थ मिनिस्टर मानसुख मंदाविया पब्लिश्ड द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसन 2022 विद हाउ मैनी ड्रग्स। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मानसुख मंदाविया। इन्होंने यहाँ पर एक पब्लिश किया है NLEM यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसन 2022 में, ठीक है, कि कितने जो है यहाँ पर हाउ मैनी ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी इज़ द 384, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच फिल्म हैज़ वॉन मैक्सिमम अवार्ड्स एट द 10th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड सीमा, ठीक है। सीमा का जो है फुल फॉर्म इज़ द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स। कौन सी फिल्म ने जीता है यहाँ पर मैक्सिमम अवार्ड? तो वो है आपका ऑप्शन बी इज़ दी पुष्पा, ठीक है। पुष्पा मूवी सबने देखी है, जिसने देखी है कमेंट सेशन में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू एरिट्रिया, ठीक है। अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर को इंडिया टू एरिट्रिया, क्यों, कौन है वो? वो है आपके प्रकाश चंद, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स? कौन सी स्टेट यहाँ पर टॉप पर आई है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट किस में, अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश जो है ये टॉप पर आई गई है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का जो हमें पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, कमेंट सेशन में आंसर दीजिए फटाफट कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये कब ऑब्जर्व किया गया है, हर एक जो है ईयर में यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन सी इज़ द 15th September, ठीक है। सो ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।